friends welcome to my youtube channel in this lecture we will discuss the other important river of the river system of india now we are discussing about the peninsular river which is river krishna this river flows from starting from maharashtra then goes to telangana then through the andhra pradesh it drains into bay of bengal okay सो वी कैन सेट अलॉन्ग विद दी ट्रिब्यूटरीज़ इस रिवर का बेसिन कहाँ कहाँ एक्सटेंड करता है तो महाराष्ट्र से स्टार्ट होते हुए कर्नाटका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ड्रेन करता है तो एक तरीके से हमें रफ़ एक फिगर मिल गया कि ये रिवर किस तरीके से फ्लो करती है तो ये इस तरीके से फ्लो करती है डायरेक्शन इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग आउट दी ईस्ट फ्लोइंग रिवर अब हम बात करते हैं तो ये हमारे पेनसुला की ईस्ट फ्लोइंग रिवर में से सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है ठीक है इसके बाद गोदावरी के बाद ठीक है अब ये जो रिवर है महाराष्ट्र में कहाँ से ओरिजिनेट होती है तो ये हमारी रिवर महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स जो है ठीक है मोस्ट ऑफ दी रिवर जो भी हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिनेट होती हैं तो महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होने वाली ये रिवर महाबलेश्वर करके एक पीक है वहाँ से ओरिजिनेट होती है कहाँ पर आता है जो कि सतारा डिस्ट्रिक्ट ठीक है तो ये उसका हमारी रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट हो जाता है अगर हम कृष्णा रिवर की बात करें तो कृष्णा रिवर हेड्स लॉट ऑफ़ वाटर ठीक है और जो एग्रीकल्चरल लैंड है पेनिनसुला का हमारे मतलब मेजरली हम बात कर लें कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश का वो डिपेंड करता है इस रिवर के ऊपर ही ठीक है मतलब सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ एरिया डिपेंड्स अपॉन दी दिस रिवर फॉर दी एग्रीकल्चरल इरिगेशन ठीक है अब इस रिवर की लेंथ कितनी है तो 1400 हंड्रेड किलोमीटर इज दी लेंथ ऑफ दिस रिवर ऑलमोस्ट ये हमारे वेस्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ से स्टार्ट ईस्टर्न पार्ट तक जाती है ठीक है अब ड्रेन कहाँ करती है एज वी हैव अबाउट इट कि ये आंध्र प्रदेश में ड्रेन करती है कोदोराव करके एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर हमारा लाल देवी करके एक जगह है वहां से ये ड्रेन करती है इन बे ऑफ बंगाल ठीक है तो हमने इस रिवर की कच्चा सा हमने एक बात बोल सकते कि आ, कच्चा सा उसका कैचमेंट एरिया की बात कर ली स्टार्ट टू एंड कहाँ पर फ्लो कर रही है कितने किलोमीटर के लिए फ्लो कर रही है ठीक है अच्छा इस रिवर की एक इम्पॉर्टेंट बात बताएं तो जहाँ पर ये ड्रेन करती है ठीक है उसके जस्ट पास ही जस्ट नॉर्थ साइड में ही गोदावरी रिवर का रिवर भी डेल्टा बनाती है और वहाँ हमने पढ़ा था कि गोदावरी रिवर बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है ठीक है तो कृष्णा और गोदावरी रिवर का दोनों का डेल्टा एक दूसरे से मिक्स हो जाता है और लगभग 120 किलोमीटर लंबा डेल्टा ये क्रिएट करती है ठीक है मतलब कि एक तरीके से शोअर लाइन एक किलोमीटर तक एक्सटेंड कर जाती है टूवर्ड्स दी सी तो ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट बात है कृष्ण और गोदावरी रिवर की थी। ठीक है अब हम इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे ठीक है तो ट्रिब्यूटरीज जो है एक आ जाती है कोयना एक आ जाती है भीमा ठीक है तो ये दोनों महाराष्ट्र में ही रहती हैं ठीक है फिर एक आ जाती है लेफ्ट बैंक में ही मूसी रिवर अब ये मूसी रिवर जो है ये तेलंगाना में फ़्लो करती है ठीक है दिस फ्लोज़ इन तेलंगाना ठीक है और ये दोनों हमने बात कर ली बोथ फ्लोज इन दी महाराष्ट्र एंड दी अदर रिवर इज़ दी मुनेरू रिवर ठीक है तो ये हो जाती है चार लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है ये सारी ओरिजिन आती हैं कहाँ से कर्नाटका से और आकर मिलती है रिवर गोदावरी में वन इज़ दी घाट प्रभा अदर इज दी माल प्रभा एंड लास्ट इज़ दी इम्पॉर्टेंट वन विच इज़ टोंगभद्रा रिवर ठीक है अब जो हमारी रिवर है कुछ हमारी इस तरीके से जो हमारी रिवर फ्लो कर रही है अब इसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट सिटीज़ आ जाती है ठीक है तो अगर हम बात करें तो इसमें मैंशन नहीं है लेकिन भीमा करके एक सिटी आ जाती है हमारी कहाँ पर इसकी सॉरी भीमा करके जो रिवर है उसकी उस पर एक सिटी आ जाती है देट इज़ कॉल्ड एज पुणे विच इज़ ए इम्पोर्टेंट वन दैन विजयवाड़ा एंड अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में इसके लास्ट वाले पार्ट में ये सिटीज़ आ जाती हैं एंड हैदराबाद डजेंट कम ऑन दी रिवर कृष्णा बट हैदराबाद कम्स ऑन इट्स ट्रिब्यूटरी लाइक दिस दी ट्रिब्यूटरी कम एज दी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी मूसी और यहाँ पर आ जाता है हैदराबाद एंड अनदर इम्पोर्टेंट विच इज़ प्रजेंट इन दी हैदराबाद इज द शी साइलम और वी कैन कॉल डिट एज दलिक अर्जुन ओके दीज आर फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग द प्रोजेक्ट्स ऑन दिस रिवर प्रोजेक्ट्स मीन्स द डैम्स ऑन दिस रिवर सो द इम्पोर्टेंट डैम इज़ दागार्जुन डैम ठीक है एंड द श्री साइलम डैम बोथ आर इन तेलंगाना एंड कोयना डैम इज ऑन इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर कोयना एंड टुंग भद्रा इज़ ऑन इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर टुंग भद्रा तो इस तरीके से ये हमारी रिवर थी कृष्णा जिसके बारे में हमने बहुत सारी बातें करी तो आप एक बार इस आ, इस आ, छोटे से एक आ, रफ डायग्राम में इसका चैनल को समझ सकते हैं और इसको ही देखकर हम इसको रिवाइज करेंगे ठीक है द ब्रिवर स्टार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र देन फ्लोज थ्रू कर्नाटका एंड तेलंगाना एंड फाइनली ड्रेन्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश एज एजन बिलो टोटल लेंथ इज़ फोर्टीन हंड्रेड किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स इन सतारा डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम महाबलेश्वर एंड एंडिंग टू हमशाला देवी इन कोदोराव डिस्ट्रिक्ट इन इंटू बे ऑफ बंगाल इंपॉर्टेंट सिटीज की बात करें तो पुणे आ जाता है रिवर भीमा पर ठीक है मूसी रिवर पर आ जाता है हैदराबाद और रिवर कृष्णा पर ही आ जाता है अमरावती एंड विजयवाड़ा ठीक है फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं दी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इज द कोयना एंड भीमा विच स्टार्ट फ्राम महाराष्ट्र अदर इज दिच फ्लोज इन द तेलंगाना इज रिवर मूसी ठीक है और फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो घाट प्रभा माल प्रभा एंड अदर इज दी टोंग रिवर एंड डैम्स की बात करें तो एक घाट प्रभा और एक टोंग रिवर पे उन्हीं के नाम पर डैम है और एक कोयना रिवर पर डैम है बाकी दो डैम आ जाते हैं जो कि कृष्णा रिवर पर है वन इज दी श्री साइलम डैम एंड अदर इज़ दी नागार्जुन सागर डैम तो ये थी हमारी रिवर कृष्णा जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात करी अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं Till then, thank you.